अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं अली नगर से बात कर रहा हूँ। अली नगर जानुमा अलियाबाद, ये हमारे दामाद का घर है, जो हमारे दामाद के वालिद साहब 2011 में लैंड सर्वस का परचेस करे थे। जो लैंडलॉर्ड था उन्होंने बता के दिए कि और जो है 40 फीट की रोड और 10 फीट की रोड बाजुक से। अब जो है उन्होंने उसके बाद जो है थोड़े दिन के बाद उन्होंने दरवाजे, वहाँ पे दरवाजे भी थे, खिड़कियाँ भी थे, उन्होंने बोले कि जो है ना दरवाजे बंद कर दो। बोले लड़े झगड़े से जो है ना उन्होंने आके माफ़ी चाह के दरवाजे बंद करने लगाए, दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे बंद करने के बाद में फिर बहस शुरू हो गई, तो हमारे दामाद के वालिद साहब जो है ना कोर्ट में केस डाली। ये कोर्ट में केस जो है ना 7 साल चला, और जो है 7 साल चलने के दरमियान में आखिरी में जो है ये कोर्ट से फैसला आया कि जो है ये डिसमिस, केस को डिसमिस करके बल्दिया ऑफिस को जो है अप्रोच करो बोल के दिए। वो अप्रोच के दरमियान में, छुट्टियां रहने के दरमियान में बाजू लैंडलॉर्ड वाला, वो जो भी लैंडलॉर्ड वाले है वो लोग जो है ना अपन कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए। तो हमारे दामाद के भाई जो है ना उसको ऑब्जेक्शन करे कि जो है ना काम रोको बोल के, तो उन्होंने काम नहीं रोक रहे और काम कंटिन्यू है इसका। ये बगैर फैसला आने से पहले जो है ना इन्होंने काम शुरू कर दिया। हमको जो है ना इतराज है इसका कि जब बाहर बाजू के लेडीज भी दिखे तो उन्होंने जो है ना गाली गलौज कर रहे, या हमारे को जो है ना डरा रहे, बच्चों को भी डरा रहे, दरवाजा बंद करो, क्योंकि लिए हम जो है परचेस करें इसलिए कि दो रोड का प्लॉट है। बल्कि अब उन्होंने जो है ना बेमानी पे आके जो है ना इस पर नहीं, उस पर जो है ना उन्होंने घर बना ले रहे अपना, ये जमीन आप लोगों की नहीं है, मेरी से। बल्कि जब बेचे उन्होंने, यहाँ पे देखिए पूरा 10 फीट में है, एक 10 फीट की जो है लाइन है और सामने 40 फीट की रोड है। अब ये कह रहे हैं कि हमारा ही चाहिए, आपका नहीं होता, बल्कि लेडीज को भी गालियां दे रहे, गालियां गलौज कर रहे। और जो हमारे दामाद के दोनों भाई हैं उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया में रहते, वो लहरने की मौजूदगी में जो है ना लोग लेडीज को भी डरा रहे, लेडीज को भी खतरा है। हमारे जो है ना हमारे अपील ये है कि हैदराबाद कमिश्नर पुलिस से अपील है, हमारे MLA साहब से अपील है, और हमारे जो MP साहब से अपील है, असदुद्दीन अवैसी साहब से अपील है कि जो है ना इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। और बल्दिया वालों को बोलिए कि जो है ना बल्दिया वाले भी आते हो रहे, वो मसरूफियत से नहीं आए, उस दरमियान में जो है ना जल्दी जल्दी वो काम कर ले रहे, और सीढ़ियों का काम भी शुरू होगा, बिल्कुल रोक रहे, पूरा घर हमारा अंधेरा होगा। और हमको हमारा हक दिलाइए, क्योंकि हमारे दामाद रहते उनकी गैर मौजूदगी में जो ना मैं बात कर रहा हूँ इसलिए इनकी तरफ से। तो आपसे जितना हो सकता कोशिश करिए जल्दी। और ये फोटोज देखिए पूरे, ये जो दरवाजा था देखिए आप, ये दरवाजा था, ये बातचीत करके दिए कि दरवाजा है, ये दरवाजा बंद करा दिया लड़ाई झगड़ा करके, उसके बाद में कोर्ट में केस डाले। और ये जब बनाते वक्त ने पूरा, जब देखिए आप ये फोटोज देखिए, जब बनाते वक्त ने पूरा ये दिए, बना लो बोल के बोले, इजाजत दिए। अगर उनकी जमीन होती, अगर वो नहीं बेचते तो ये कैसा इजाजत देते थे लोग, बना बोल के खिड़कियों को, कोई भी इंसान हो कि जब इलीगल हो जाता ये, अगर उनकी रोड नहीं है तो साइड में बनाना इलीगल होता। तो जब उन्होंने पूरा बने तक थे ना उनकी जमीन में, उनका वहीं घर है, वहीं रहते उन्होंने, चलो उन्होंने तो बाहर नहीं है, यही इंडिया में छे वहीं रहते, उन्होंने सामने ठहर के बनाने लगा। अब जो है ना लड़ाई झगड़ा कर रहे, देखिए फोटोज देखिए पूरे पुराने, आप ये पूरे फोटोज देखिए, ये हमारे फोटोज बताना इसलिए कि कमिश्नर बल्दिया कमिश्नर आपको बताना है, तो बल्दिया कमिश्नर आप देखिए और आप जल्द से जल्द अप्रोच करिए साहब, हमको बहुत परेशानी हो रही है इससे, हमको बहुत तकलीफ हो रही है, और हमारी लेडीज को भी खतरा है, क्योंकि मेरी बेटी खुद ये घर में रहती, क्योंकि जब मेरे दामाद है तो इनकी बच्ची यहीं पर रहेंगी ना भाई, कोई हर बाप को जो है ना डर रहता अपनी औलाद से। तो आप लोग देखिए पूरे चीज़ा, मेरे को आके अपील करने की जरूरत ये है कि मेरी बेटी, मेरे दामाद का घर है ये, मेरी बेटी के ऊपर भी टॉर्चर किया जा रहा, आप देखिए, आप असद साहब आप भी देखिए जरा, इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करने लगाई। असद साहब सलाम वाले, असद साहब को सलाम करते हो एक बार फिर, जरा करिए साहब जो भी है, ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम सैयद इब्राहिम हुसैन है, मैं अली नगर का रहने वाला हूँ, ये मैं अली नगर अलियाबाद के करीब फलकनुमा पैलेस के करीब घर है हमारा। ये वालिद साहब 2011 में 100 स्क्वायर यार्ड लिए थे, तो ये मोहम्मद सिद्दीक साहब से, ये वेस्ट साइड जो रोड है 40 फीट की है और नॉर्थ साइड जो है 10 फीट की लेन है, तो ये बोल के 2 फेज का है बोल के लिए थे। तो 13 में कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद जो है सो पूरे विंडोज वगैरह और गेट भी लगाए थे हम, गेट भी दिए थे उन्होंने, डोर मतलब 10 फीट की लेन है बोलते, दरवाजा भी था और जो है सो रास्ता भी है बोल के लिए थे हम लोग, वे लगाए भी थे डोर, फिर बाद में दरवाजा निकालने लगा है। इसके इसके फोटोज भी है, देखिए दरवाजा क्या वजह से निकालने लगा, कन्विंस नको बोल गए, नको इमरजेंसी मतलब ऑब्जेक्शन होता, लेडीज आते जाते अच्छा ना रहता, उनकी भी उनका भी रास्ता है बोल के,
निकालने लगा है। यहाँ पर ये फोटो में देख सकते हैं आपको दो सावल के विंडो छोड़ा विंडो, और ये जब प्लॉट लिए इसपे इसमें देखिए इसमें भी दो हेयर लगे हुआ सामने बताइए। ये पूरे पहले के फोटो इसमें डोर है देखिए अंदर ये आपकी है। तो 16 में क्या करे, 13 में तो कंप्लीट होगा कंस्ट्रक्शन जब डोर निकालने लगा है। फिर बाद में 16 में जो है सो हमारे घर के बाजू नॉर्थ साइड जो है सो पूरे कॉलम वगैरह डाले, पूरे कॉलम वगैरह डाले। 7 इयर्स केस चल रहा था, फिर कोर्ट जो है सो बल्दिया को बोली के DMC से जो है सो इंक्वायरी मालूमात करो बोल के बोली जी फॉलो अप करे। हॉलीडे क्रिसमस के हॉलीडे आने की वजह से हम लोग वो नहीं आए, GMC वाले नहीं आए, हमारे काम करा लियो उसमें काम चल रहा तो न्यू ईयर हॉलीडेज में काम चल करा लिया। इश्यू अब पूरा विंडोज बंद हो गए हमारे और 10 फीट की जगह ने छोड़े अभी उसमें। वाले क्या बोले GHMC वाले वो हमेशा आते बोल के बोल रहे हैं अभी न्यू ईयर और प्रजा प्लान का जो है प्रोग्राम स्कीम चल रही है अभी फिलहाल तो उसमें वो बिजी है, वो अभी नहीं आए हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। घर बना रहे थे कितना टाइम हुआ? 10 साल हो गया। जब आप घर बना रहे थे जब बोले थे पीछे डोर के और विंडोज के बारे में कुछ बोले थे बोलो? डोर विंडोज दिए उन्होंने अलाव करे 10 फीट की दिए उन्होंने खुद दिए। और इसमें साल में बनाने से पहले कुछ भी इशू नहीं हुआ? नहीं जब नहीं हुआ पर डोर निकालने लगा उन्होंने वो कन्विंस करे हमारे वाले जो जमीन में जो है। हाँ है उन्होंने बात क्या करे बात करे कई बार तो अभी वो कम्प्रोमाइज नहीं करे। कोर्ट में चल रहा था केस तो कम्प्रोमाइज नहीं करे उन्होंने। कोर्ट ऑर्डर क्या आया? कोर्ट डिसमिस आया। हम लोग हियरिंग में अटेंड नहीं करे, हम डिसमिस आया मगर GMC से फॉलो करना बोल के आया उसमें रिजोल्व कर इशू बोल के। हम लोग बाहर थे पूरा 1-1.5 साल पहले जब से मैं हमेशा वहीं था बाहर ही था तो अटेंड नहीं हुआ। GMC को फॉलो करो बोल के बोलिए GMC से फॉलो करो बोल के GMC की छुट्टियों में क्या था दवाई काम स्टार्ट कर दिया लगा।